स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था और क्या देखा था? सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक पिक्चर, है ना? वो पिक्चर को हमने ध्यान से नोट किया था, उसको ऑब्जर्व किया था कि एक पिक्चर जो है इसमें है क्या। तो हमने देखे थे सम कैरेक्टर्स, है ना, कुछ चीजें, सम शॉपकीपर्स, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी और उस पर से कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हमने बोले थे, है ना, जाने थे, देखे थे और कुछ कल्पनाएं भी थी अपने मन में कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, है ना बच्चों? यस। और वीडियो के एंडिंग में मैंने बोला था कि हम उसके बाद का जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके बाद का दृश्य। हमने जो दृश्य देखा था वो दृश्य में था सब लोग अपने काम कर रहे थे। लुक हियर, आप देख सकते हो कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन आंसर। तो अब उसके बाद है ये नेक्स्ट। बच्चों, आप इस तस्वीर में कुछ अलग सा देख सकते हो, पहली तस्वीर से कुछ अलग सा, है ना? इसमें देख रहे हो कि बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है ना? बट ये क्यूब है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो अब सोचना है मुझे और आपको। तो बच्चों, सोचे हम? ओके। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये दृश्य दिख रहा है, उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। कुछ कैरेक्टर्स फिर क्या कर रहे हैं, सबकी क्रियाएं, ओके? तो ये पहले तो सबसे ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान से देखते हैं हम ये चित्र। आप इसमें देख सकते हो कि उथल पुथल मची हुई है, कोई लोग गिर रहे हैं, कोई ऐसे शॉक से देख रहे हैं, कोई गिरा हुआ है, कुछ बलून उड़ गए हैं। तो भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना? सबसे पहले मन में क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आइए बच्चों, जानते हैं ये चित्र के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके जवाब हम अपने विचार से देते हैं। सो आर यू रेडी फॉर योर आंसर एंड क्वेश्चन? ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो बच्चों, यू रिमेम्बर कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि मोची, है ना, मोची बैठा हुआ है, फिर ये सब बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं और एक और भी व्यक्ति था, साइकिल में हवा भर रहा था, है ना? तो वो जो भाई था वो साइकिल में हवा भर रहा था, तो हवा भरते भरते टायर फट गया। लुक हियर, आप देख सकते हो, है ना? यस। तो हवा भरते भरते टायर में टायर फट गया। तो भाई टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, ये क्वेश्चन किया है हमें। तो हम देखते हैं कि टायर फटने पर जो आदमी टायर में हवा भर रहा था वो गिर गया। फिर क्या दिख रहा है आपको, कुंजड़िन। बच्चों रिमेम्बर, कुंजड़िन मीन्स सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाली जो कुंजड़िन थी उसके सिर पर जो सब्जी की टोकरी थी वो भी गिर गए, है ना? फिर देख सकते हो मोची। बच्चों, मोची मीन्स हमने वो पढ़ा था ना, यस, कॉबलर। मोची मीन्स कॉबलर। तो बच्चों, मोची का जो सामान था वो इधर उधर बिखर गया, टायर फटने पर मोची का जो सामान था वो इधर उधर बिखर गया। फिर आप देख सकते हो कि डंडी पे जो तोता बैठा था, है ना, तोता मीन्स पैरट, जो पैरट यानी तोता बैठा था वो उड़ गया, है ना? फिर गुब्बारे वाले के हाथ में जो गुब्बारे थे वो सारे गुब्बारे भी उड़ गए भाई। फिर क्या था, रेस्ट कौन कर रहा था, रेस्ट मीन्स आराम। तो कुत्ता आराम कर रहा था, तो वो सोया हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। तो टायर फटने पर ऐसी उथल पुथल मच गई,
सब लोग शांति से अपना काम कर रहे थे और टायर फटा तो अचानक सब शॉक हो गए, सब डर गए, है ना। तो डर की वजह से कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, है ना, किसी का टोकरी गिर गई, किसी के सामान गिर गया, कोई कुत्ता भाग गया। यस, तो टायर फटने पर ये सारी क्रियाएं हुई। बच्चों अब है नेक्स्ट, यानी हमारा सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन है कि टायर फटने के अलावा भी और कौन कौन सी चीजें फट सकती है, उनके नाम बताइए। क्या एक टायर ही फट सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। टायर के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो फट सकती है, तो बच्चों हमें उसके नाम बताने हैं। क्या आप सोच सकते हो कि टायर के अलावा और कौन कौन सी चीजें फट सकती है बच्चों? यस, आप सही सोच रहे हो। तो टायर के अलावा एक है गुब्बारा, है ना। गुब्बारा फट सकता है, जो बलून है अगर वो उसमें से हवा निकल जाए या फिर कुछ चुभ जाए उसे तो वो भी फट सकता है, है ना बच्चों। उसके बाद है बॉल, गेंद, है ना। यस, तो जो बॉल होता है वो भी फट सकता है ना बच्चों। यस, तो दूसरा है बॉल, और तीसरा है वो बॉल मतलब फुटबॉल भी आ जाता है बच्चों। ओके, फिर है तकिया, तकिया भी फट सकता है। तो टायर के अलावा बच्चों ये सारी चीजें फट सकती है। बच्चों अब है थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। सो लुक हियर स्टूडेंट्स, आपको ये चित्र देखना है, देखो उसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, क्यों टकराया होगा। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको कि बाइक वाला, आप देख सकते हो, गलत ढंग से रास्ता क्रॉस कर रहा था। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ते में जा रहा था, उसीलिए रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया। इसलिए रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मोची, जो मोची यानी जो पॉबलर था वो रास्ते पर क्यों आ गया। ओके, कोई रास्ते पर बैठता है भाई? नहीं, कोई एक साइड बैठता है जहाँ पे सेफ हो। तो बच्चों मोची एक साइड बैठा था तो वो रास्ते पर क्यों आ गया, ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसका जवाब क्या होगा आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स टायर फटने की आवाज, है ना बच्चों। ऑफ कोर्स हम भी डर जाते हैं, अगर हम कहीं रास्ते पे जा रहे हो अचानक से इतनी जोर की आवाज आए, ऑफ कोर्स हम डर जाएंगे, हम शॉक हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ। यस, तो मोची के साथ भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, टायर फटने की आवाज से मोची डर कर रास्ते पर चला गया, है ना। ऐसे डर गया होगा, फटोफट भागने जा रहा होगा कि भाई क्या हुआ, इसीलिए वो रास्ते पर आ गया। ओके बच्चों, समझ गए आप। अब है पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो उसमें है कि किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षिप्त में अनुवाद कीजिए। उसमें है किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चे के जीवन में ऐसा तो कोई साहसपूर्ण प्रसंग जरूर ही होगा कि जिन्हों जो बच्चे उनमें से गुजरे हुए होंगे। तो बच्चों ये आपको अपने आप से बोलना है, अपने आप से सोचना है और अपने आप से लिखना है। बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग नहीं बना होगा। बच्चों कोई भी आपके जीवन में ऐसा प्रसंग बना होगा जिसमें आप डर गए होंगे, आपको वो चीज से डर लगता है, फिर भी आपने वो चीज का सामना किया हो, डर का सामना करके आपने कुछ साहस किया हो। ओके बच्चों, तो उसे कहते हैं साहसपूर्ण प्रसंग। तो बच्चों आपको भी अपना साहसपूर्ण प्रसंग लिखना है कि कोई ऐसे साहसपूर्ण प्रसंग में से आप गुजरे हुए हो और कुछ किया हो, कुछ काम किया हो। ओके बच्चों, जैसे कि आपको कोई चीज से डर लगता हो फिर भी आपने वो डर पे जीत पाकर कुछ काम किया। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, तो अब हमारा लास्ट एंड सिक्स क्वेश्चन है कि टायर क्यों फटा, है ना। मुसीबत की जड़, सबके उथल पुथल होने की वजह टायर फटना। तो भाई टायर क्यों फटा होगा, तो आइए बच्चों जानते हैं। तो टायर पुराना था,
ओके बच्चों, टायर पुराना था और टायर में अधिक हवा भर जाने से टायर फट गया। अगर नया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराना था इसलिए बहुत घिस गया होगा, तो अधिक हवा भर जाने से टायर फट गया। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? आई होप बच्चों कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मजा भी आया होगा, है ना? ये दो दृश्य पढ़ने में कैसा हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, अपने विचार से सोचना, और कुछ हास्यास्पद भी है ना, कुछ हास्यास्पद प्रसंग भी है जिससे हमें हंसना आ जाए। ऑफकोर्स हमें भी अपने जीवन का कोई ऐसा प्रसंग याद आया होगा कि अचानक से कुछ हुआ और हम डर गए। यस, तो बच्चों आपको मजा आया होगा, है ना? तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। थैंक यू।